हेलो गाइस, सो फार गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने एरर्स किए थे, एरर्स के बाद हमने थ्रेड मेथड्स देखे थे, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि ट्राई कैच। तो मैंने कहा था कि ट्राई कैच अभी हमने रीड नहीं किया, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रीड करेंगे। सो फार गाइस, वो टाइम आ चुका है ट्राई कैच को रीड करने का, समझने का, कोड को समझने का और एक्सेप्शन को समझने का, एक्सेप्शन होती क्या है। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन इन जावा क्या होती है। तो एक्सेप्शन कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि अक्कर किया जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट के हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल वर्किंग को, मतलब कि कंट्रोल कर देता है, हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से रोक लेता है। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वो हमें एक्सेप्शन का एरर दे देगा कि इसके अंदर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब कि एरर है, ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारे पास के दो टाइप के एक्सेप्शन है, एक चेक इन एक्सेप्शन है और एक अनचेक चेक्ड इंसेप्शन एक्सेप्शन है। तो जो हमारे पास चेक एक्सेप्शन है वो इस टाइप के एक्सेप्शन है कि जो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, इसका हमें यूज़र को नहीं पता होता है, इसको हम हैंडल नहीं करते एक्सेप्शन को, इसको कंपाइलर खुद ही मतलब कि हैंडल कर लेता है, एक्सेप्शन कर देता है कि एरर शो कर देता है कि आपके इस प्रोग्राम में फलां फलां ये एरर है। और जो अनचेक एक्सेप्शन है वो इस तरह के एक्सेप्शन है हमारे पास के वो हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन है, इसका हमें पता नहीं होता कि ये हमारे पास एक्सेप्शन अक्कर होगी या नहीं होगी, इसका हमें कन्फर्म नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनचेक्ड एक्सेप्शन इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि ये एक्सेप्शन देगा कि नहीं देगा। तो ये इस तरह के केस में हमारे पास एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन में हमारे पास एरर को शो करेगा, एक्सेप्शन हमारे पास शो करेगा कि एक्सेप्शन है, ये प्रोग्राम को आप रन नहीं कर सकते। तो कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शन कौन कौन सी हो सकती है, बेसिकली फ्यू कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शन इन जावा है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, रैथमेटिक एक्सेप्शन है। रैथमेटिक एक्सेप्शन क्या, जैसा कि मैंने आपको कहा किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो जीरो से, तो वो हमारे पास रैथमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगी। उसके बाद थर्ड जो एक्सेप्शन है वो हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे एरे का इंडेक्स का साइज है 4, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 6 एरे को, 7 एरे को, 8 एरे को, मतलब कि टोटल तो हमारे पास एरे के इंडेक्स 4 है, तो हम 6-7 एरे के इंडेक्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस केस में भी हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है। उसके बाद इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमने मेथड बनाया एक, उस मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग कोई भी नेम पास करवा दिया, उसके बाद नीचे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई मतलब के इंडिजर टाइप का डाटा को मतलब के आर्गुमेंट पास करना चाहेंगे, पैरामीटर हमारा किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का, और जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद हमने आर्गुमेंट पास किया, वो हम इंटीजर टाइप की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो ये किस तरह पॉसिबल है, इधर भी एक्सेप्शन हमारे पास शो कर सकता है। उसके बाद नंबर फॉर्मल एक्सेप्शन है। सो फार गाइज, मैं अपनी क्लिप्स आई डी पे आ गया हूँ, मैंने क्लास बना ली है ट्राई कैच की। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक्सेप्शन इन जावा क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटीजर दो इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ और उनकी वैल्यू सेट करता हूँ। मैंने इंट ए लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 200, और उसके बाद इंट बी वेरिएबल लिया और उसको मैंने इनिशियलाइज किस वैल्यू से कर दिया, फॉर एग्जांपल 0 से कर दिया। और मैं कहूँ अगर मेरा इंट कोई सी वेरिएबल है और मैं डिवाइड करवाना चाह रहा हूँ ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी। अब जब मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करूँगा मैं सी को, तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये कहेगा भाई आप जीरो को डिवाइड नहीं करा सकते, ये जावा में इलीगल है, ये पॉसिबल नहीं है। देखना मैं इसको रन करूँगा तो क्या कहता है ये। तो इसको ऑलवेज सेव रिसोर्सेज बिफोर लॉन्चिंग, ओके। और ये देखें, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैन डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन
तो बाय जीरो एट कॉम डॉट ट्राई कैच मेन, वो देखे वो कह रहा आप जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, ये जावा में अलाउ नहीं है कि आप जीरो को डिवाइड कर सके, सो इट इज इम्पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जीरो को डिवाइड कर सके, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करने के लिए ट्राई कैच का यूज करेंगे, तो वो हम किस तरह यूज करेंगे, तो मैं कहूंगा ट्राई करो किसको, इंट, इन दोनों को मैं कट कर लेता हूं, कंट्रोल एक्स करूंगा और इधर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, एक ट्राई करो के ए सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो इनको कर दो प्रिंट आउट सी की वैल्यू को, अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल मतलब कि एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो एक्सेप्शन को कैच कर लो। कैच कैसे कर लो कि एक्सेप्शन ई को कैच कर लो और प्रिंट आउट करवा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं डबल कोट्स में लिखूंगा वी फेल टू डिवाइड नंबर बाय जीरो, वी फेल्ड टू डिवाइड नंबर जीरो, तो ये मैंने एक्सेप्शन में मैसेज थ्रो आउट कर दिया, तो ई मैं कैपिटल लिखूंगा एक्सेप्शन का, तो ई कैपिटल लिखूंगा, अगर ऐसा मतलब कि पहले तो ट्राई करो कि सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो सी को प्रिंट कर दो, अगर फिर ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो एक्सेप्शन को कैच कर लो, और एक्सेप्शन को कैच करने के बाद मुझे ये मैसेज प्रिंट आउट करवा दो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर दो, ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर दो ई को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर दो ई को, और इधर आप कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड ऑफ द प्रोग्राम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और डबल कोट्स में मैं लिखूंगा एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो एंड ऑफ द प्रोग्राम सेमीकोलन से टर्मिनेट करूंगा, और अब मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करूंगा, ये कहेगा पहले तो कहेगा ट्राई करो सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, अगर ये हो जाए तो सी को प्रिंट कर दो, अदरवाइज एक्सेप्शन को कैच कर लो और मैसेज थ्रो कर दो कि आप फेल्ड हो गए हो जीरो को डिवाइड करने में, तो ई को प्रिंट आउट करवा दो और लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है, तो ये देखें उसने मैसेज प्रिंट आउट कर दिया मतलब कि एक्सेप्शन आ गई है, तो एक्सेप्शन को उसने कैच किया और आपको रीजन बता दी कि ये रीजन है आप नंबर को डिवाइड नहीं कर पाए, वी फेल टू डिवाइड नंबर बाय जीरो, जो एक्सेप्शन थी उसने एक्सेप्शन प्रिंट करवाई है, देखें मैंने इधर लिखा एक्सेप्शन ही उसने बताई कि क्या आपकी एक्सेप्शन आ रही है, किस रीजन से ये आपका नंबर मतलब कि डिवाइड नहीं हो पाया, क्या रीजन थी, उसने रीजन बताई और नीचे लिख दिया एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये उसने एक्सेप्शन बताई कि आप नंबर को जीरो पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मैथमेटिक एक्सेप्शन है, इसी तरह आप नल एक्सेप्शन को सोल्व कर सकते हैं, इसी तरह आप एरे इंडेक्स को एक्सेप्शन को सोल्व कर सकते हैं, और इसी तरह आप एक्सेप्शन को सोल्व कर सकते हैं इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को। सो फार गाइस देखा कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेप्शन की समझ लगी होगी, अगर आपको एक्सेप्शन की समझ लगी होगी तो आप ट्राई करके देखिएगा कि किस तरह आप एक्सेप्शन को सोल्व कर सकते हैं, बाकी जो एक्सेप्शन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन नंबर फॉर्मड एक्सेप्शन। सो फार गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।